क्या आपने कभी सोचा कि जिस बैट से रोहित शर्मा, विराट कोहली, धोनी और हार्दिक पांड्या छक्के मारते हैं, आखिरकार उस बैट को कैसे तैयार किया जाता है, और जिस बॉल को ये क्रिकेटर ग्राउंड के बाहर भेजते हैं, उस बॉल को किस तकनीक की मदद से बनाया जाता है, और क्या आपने ये सोचा कि फुटबॉल को कैसे तैयार किया जाता है, और क्या आपने सोचा कि टेनिस बॉल व गोल्फ बॉल को कैसे तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इन्हीं सभी चीजों को कैसे तैयार किया जाता है वह बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। और मैं अभी तक के एक्सपीरियंस के साथ कहता हूं कि इस वीडियो में आपको काफी ज्यादा मजा आएगा और बहुत सारी नॉलेज आप इस वीडियो से लेकर जाओगे। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और उसे ऑल कर लें, जिससे कि मैं न्यू वीडियो कोई सी भी डालूं तो नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए सबसे पहले। तो शुरू करते हैं क्रिकेट बॉल से। क्रिकेट बॉल बनाने से पहले बॉल के बाहर जो लाल रंग का चमड़ा होता है उसको पीट पीट कर तैयार किया जाता है, क्योंकि इसको पीटना इसलिए पड़ता है कि यह बहुत ही ज्यादा कठोर होता है। जब लेदर को अच्छे से नरम कर लिया जाता है तो इसके बाद एक बॉल के लिए 4 टुकड़ों को काटा जाता है। शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे कि एक बॉल को बनाने के लिए 4 बराबर टुकड़ों को काटा जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक बॉल बनाने के लिए 4 टुकड़ों की आवश्यकता होती है, जो कुछ इस साइज में काटे जाते हैं। और जब बॉल के टुकड़ों को तैयार कर लिया जाता है तो व्यक्तियों के द्वारा इन टुकड़ों को ऐसे जोड़ दिया जाता है, और जब ये टुकड़े जुड़ जाते हैं तो इनको गोल आकार देने के लिए इस मशीन के अंदर डाला जाता है और बॉल के एक्स्ट्रा भाग को ब्लेड के द्वारा काट लिया जाता है। और दोस्तों, ऐसे ही बॉल की दूसरी साइड को भी तैयार किया जाता है। जब तक बॉल की दूसरी साइड बनती है तब तक मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज होती है जो इस बॉल को इतनी ज्यादा कठोरनेस और बाउंस प्रदान करती है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। रबर के एक बॉल को लेकर उसके ऊपर लकड़ी व ऊन को कुछ इस प्रकार से चढ़ाया जाता है। और दोस्तों, ऊन को चढ़ाते वक्त बहुत ही सावधानी बरती जाती है ताकि कोई गलती ना हो जाए। और साथ ही साथ ये जो ऊन होता है यह कोई आम ऊन नहीं होता है, बल्कि यह बहुत ही खास ऊन होता है। और दोस्तों, ये जो बॉल का मटेरियल बना है इसको 1 से 2 महीने तक सूखने के लिए रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सत्य है, आप कहीं भी जाकर देख सकते हो। यानी कि एक बॉल बनाने के लिए कम से कम 2 महीने लगते हैं। आपने क्या सोचा था कि बॉल ऐसे ही बन जाती है, बॉल बनाना बच्चों का खेल है? जी नहीं, जब एक प्रोफेशनल बॉल बनाने के लिए सारा मटेरियल तैयार हो जाता है तो दोस्तों, इन दोनों बॉल के टुकड़ों के बीच में बॉल की रबर को रख कर उसको कुछ इस प्रकार से सिल दिया जाता है। ये तो अभी एक ही सिलाई थी, अभी तो एक सिलाई और होना बाकी है जो कुछ ऐसे की जाती है। और इस सिलाई को करने के लिए एक हुनरमंद व्यक्ति की जरूरत होती है जो बखूबी इस कार्य को अच्छी तरह से जानता हो, क्योंकि यही वह सिलाई होती है जिसकी वजह से बॉल अंदर व बाहर की तरफ स्विंग करती है। जब यह सिलाई भी हो जाती है तो बॉल को गोल आकार दिया जाता है व बॉल की बारीकियों को चेक किया जाता है। अब कुछ इस प्रकार से बॉल की टेस्टिंग की जाती है। अब जो भी बॉल इस टेस्ट में फेल हो जाती है तो फिर उसके साथ वही प्रोसेस की जाती है, और जो बॉल अच्छे से स्विंग करती है तो उसको आगे कंपनी का लोगो लगा दिया जाता है और अंतिम टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। और अंतिम टेस्टिंग के बाद इन बॉल को क्रिकेट के मैदान पर उतारा जाता है, जिसके बाद आप इन्हें कैमरे पर देखते हो। दोस्तों, आपने यह तो देख लिया कि एक प्रोफेशनल बॉल कैसे तैयार की जाती है, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि एक प्रोफेशनल बैट कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों, लकड़ी के ये मजबूत फट्टे देख रहे हो ना आप, इन्हीं मजबूत लकड़ियों से तैयार होता है महेंद्र सिंह धोनी व विराट कोहली का बैट। बैट की मेजरमेंट करने के बाद इसके आखिरी भाग को काट दिया जाता है, जो कि अनवांटेड पार्ट होता है,
और पूरे बैट पर इस मशीन के द्वारा शेप दिया जाता है, जो कि आप देख सकते हो। और दोस्तों अब होती है इस बैट की असली टेस्टिंग। इस टेस्टिंग में 2000 टन के वजन को इस बैट पर डाला जाता है, तभी तो महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या बॉल को ग्राउंड के बाहर भेजते हैं। बट रुकिए, अभी बैट बन रहा है, उतने में मैं आपको दिखाता हूँ कि बैट के आगे का हत्ता कैसे बनाया जाता है। हाँ दोस्तों, जो भी इसे बोलते हैं वो कैसे तैयार होता है, देखिए कि लकड़ी के इस टुकड़े को कैसे तैयार किया जाता है। और बैट के आगे लगाने से पहले बैट में क्या बदलाव किए जाते हैं और ये बदलाव कैसे किए जाते हैं। और जब बैट का हत्ता तैयार हो जाता है तो उसको एक स्पेशल गम से चिपका दिया जाता है, कुछ इस प्रकार से, और इस बैट को एक दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। और अगले दिन इस बैट का जो अनवांटेड पार्ट होता है, यानी जितना भी खराब पार्ट होता है, उसको कुछ इस तरह से बैट से अलग कर दिया जाता है और बैट को और भी ज्यादा शार्प किया जाता है। तो जनाब ध्यान से देख लीजिए, ऐसे दिया जाता है एक प्रोफेशनल बैट को शेप, और फिर इस बैट को विभिन्न प्रकार की रेतियों से और भी शार्प किया जाता है, क्योंकि ऐसे ही नहीं तैयार होता एक खतरनाक बैट। और फिर इस बैट को रेती से और भी ज्यादा शार्प किया जाता है कि कहीं इस बैट के अंदर कोई धांस तो नहीं रह गई है। और जब बैट पूरी तरह से बन जाता है तब इस बैट पर कंपनी का स्टिकर लगा दिया जाता है और इस बैट को विभिन्न प्रकार की चीटों से सजाया जाता है। अभी आपने देखा कि बैट कैसे बनता है, बॉल कैसे बनती है, अब आप देखोगे कि फुटबॉल को कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों फुटबॉल बनाने के लिए भी चमड़े का प्रयोग किया जाता है, और इस बॉल को बनाने के लिए सबसे पहले चमड़े के पीसेस को इस प्रकार से बराबर भागों में काट दिया जाता है, और फिर इन कटे हुए पार्ट्स को एक खांचे में ऐसे लगाया जाता है, जो खांचा पहले से ही तैयार होता है। और ऐसे बॉल के दो पार्ट्स को तैयार किया जाता है, और बॉल के अंदर लगने वाले ब्लैडर को भी ऐसे ही तैयार किया जाता है। और जब बॉल के दोनों पार्ट बन जाते हैं तब इन दोनों पार्टों के बीच में ब्लैडर को रख कर इन्हें फिट कर दिया जाता है, वह सिल दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे तो तैयार होती है एक ब्लैडर वाली बॉल, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि बिना ब्लैडर वाली बॉल को कैसे तैयार किया जाता है। तो दोस्तों बिना ब्लैडर वाली बॉल ऐसे तैयार होती है। दोस्तों इस बॉल का ब्लैडर तैयार होने के बाद उसके ऊपर इस प्रकार से इन कटे हुए पार्ट्स को लगा दिया जाता है, जो देखने में कमाल के लगते हैं, जो इसे एक अलग ही लुक प्रदान करते हैं। दोस्तों इस प्रकार से तैयार होती है एक फुटबॉल, ब्लैडर वाली और नॉन ब्लैडर वाली। चलिए अब आपको दिखाते हैं टेनिस बॉल को कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों ये वही प्लास्टिक है जिसे आटे का रूप दे दिया गया है, जिससे टेनिस वाली बॉल बनेगी, देखते रहिए कैसे। इस प्लास्टिक को मिलाने के बाद बराबर भाग में काटा जाता है और फिर इसे मशीनों के द्वारा एक पतली चादर में बदल दिया जाता है, और फिर इन चादरों को एक साथ रख कर गोल भागों में काटा जाता है। और बाहर से आप देख ही सकते हो ये गोल शेप जिनमें बॉल बनेगी। अभी जो हमने सर्कल वाले पार्ट्स को तैयार किया उन्हें ऐसे इस मशीन के द्वारा गोल आकार दिया जाता है, और इसके बाहरी व अनवांटेड पार्ट को काट दिया जाता है। अब जो बॉल बनकर तैयार होती है उसको टेस्ट किया जाता है, और टेस्टिंग के बाद इन पर कंपनी का लोगो लगा दिया जाता है, और विभिन्न प्रकार के कलर भी इन बॉलों पर लगाए जाते हैं इनको अलग अलग लुक प्रदान करने के लिए। दोस्तों गोल्फ वाले गेम को तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो यह देखिए। अब पता चला गोल्फ किसे कहते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि गोल्फ के लिए बॉल को कैसे तैयार किया जाता है।
इसके लिए सबसे पहले गोल्फ बॉल के साइज का शेप तैयार किया जाता है। शेप को तैयार करने के बाद पहले से ही तैयार प्लास्टिक के पेस्ट को इसके अंदर डाला जाता है और जैसे ही ये प्लास्टिक ठंडी होती है वैसे ही आपकी गोल्फ की बॉल आधी तैयार हो जाती है। अब इसके बाद अनेकों मेजरमेंट किए जाते हैं व इसकी एक्यूरेसी को चेक किया जाता है कि यह सही से काम कर रही है या फिर नहीं। तो दोस्तों आई होप आपको पता चल गया होगा कि गोल्फ की ओरिजिनल बॉल को कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। और ये सब कुछ सर्च करने में भी व इनको देखने में भी बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज गाइस इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आप हमें कमेंट करके यह भी बताएं कि आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लें जिससे कि आप आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन पा सकते हैं सबसे पहले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का।